माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला सम्माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधान परिषद के मान्य सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष आंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित महानुभाव, मैं देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से उन्होंने अपनी स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए हम सबको समय दिया है और आज उनके कर कमलों से कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। इस महामानव के साथ किस कालखंड में क्या हुआ इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आज की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जब 29 जून 2021 को हम सब यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में उनके सानिध्य में इस केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, याद करिए आज से 93 वर्ष पहले आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ भी किया था। यानी ठीक 93 वर्ष पहले 1928 में समता
देश गुलाम था, देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा और अपनी उच्च शिक्षा को अर्जित करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश की सेवा के लिए आगे आए थे। और आज ही वह तिथि थी जब उन्होंने समता नामक साप्ताहिक का शुभारंभ करके देश के अंदर एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, पूरे देश की स्वाधीनता की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य का शुभारंभ भी किया था। हम सब गौरवान्वित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अपने सार्वजनिक जीवन और महापरिनिर्वाण में दिल्ली के अंदर बनाए गए केंद्र का हो, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर, या चैत्य भूमि मुंबई, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, ये पंच तीर्थ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत के उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश का यह अत्याधुनिक स्मारक और म्यूजियम या सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी का जिन्होंने इसके लिए आज हमें समय दिया है और आज उनके करकमलों से कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का जिनका मार्गदर्शन और प्रेरणा सदैव प्राप्त होती रही है, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना सहयोग दिया, और अंबेडकर महासभा जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को इस लखनऊ के अंदर हमेशा जीवंत बनाने का काम किया है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा निरंतर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके गांव गांव में, घर घर में जाकर के उन सब के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की उन तक पहुंचाने का कार्य, उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं के साथ उन्हें जोड़ने का कार्यक्रम, निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसी कड़ी को एक नई आधुनिकता प्रदान करने के लिए यह स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज यहाँ पर स्थापना का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए पर्यटन और संस्कृति विभाग विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि एक समयबद्ध तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम बहुत शीघ्र पूरा करते हुए इसका भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी जब हो तो उसी केंद्र के स्थल पर हो तो बहुत अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।